जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में कियारा और ब्रायन, जो कि अपने बच्चों के साथ में कंट्री साइड के उनके नए घर में आए हुए थे, वे दोनों और उनका बेटा स्टीवन बहुत ज़्यादा खुश थे अपने नए घर को लेकर, और उनकी बेटी एली खुश नहीं थी। वो अपने दोस्तों को छोड़कर इस नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वो अपने पेरेंट्स से दूर रहने लगी थी और उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं समझते हैं। उनका घर दूसरे घरों से काफ़ी ज़्यादा अलग था और घर की एक दीवार पर किसी आदमी की फ़ोटो भी लगी हुई थी और किसी अलग भाषा में लेटर से वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। वहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ था, वहाँ के सभी दरवाज़ों पर था सिवाय एक के, और बेसमेंट के दरवाजे पर वैसा कोई भी निशान नहीं बना हुआ था। वे सभी बेसमेंट को देखने लगते हैं। अंदर जाने पर बेसमेंट एक नॉर्मल बेसमेंट जैसा ही दिख रहा था। फिर वहाँ से कियारा, ब्रायन और स्टीवन बाहर आते हैं, और जब एली बाहर आने लगती है तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। एली को अंदर किसी के होने का एहसास होता है तो वो डर जाती है और वो अपने पेरेंट्स को जल्दी से दरवाजा खोलने को कह देती है। ब्रायन को बाहर उस दरवाजे की चाबी मिल जाती है तो वो दरवाजा खोलकर एली को बाहर निकाल लेता है। अब शाम को कियारा एली को स्टीवन का ध्यान रखने को कहती है क्योंकि वो और ब्रायन को ऑफिस जाना पड़ रहा था। उनके ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग थी। एली जब अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी तो स्टीवन एक मास्क पहनकर एली को डराता है, और मास्क किसी जानवर के कंकाल का था जो कि स्टीवन को वहीं के एक सीक्रेट रूम से मिला हुआ था। फैमिली को इस सीक्रेट रूम के बारे में पहले से कुछ पता नहीं था। एली फिर अंदर जाकर उस रूम को देखने लगती है और वहाँ पर बहुत ही पुरानी चीजें रखी हुई थी। वहाँ पर रखे हुए एक रिकॉर्ड प्लेयर को एली चलाती है। उस रिकॉर्ड प्लेयर में एक आदमी वही इक्वेशंस को बोल रहा था जो कि वहाँ की दीवारों और दरवाजों पर लिखी हुई थी। तभी बेसमेंट से किसी के तेज तेज सांसें लेने की आवाजें सुनाई देती है और अचानक से पूरे घर की लाइट भी चली गई थी। एली अपनी माँ को कॉल लगाती है और कियारा एली को बेसमेंट में जाकर इलेक्ट्रिक सर्किट को देखने को कह देती है। एली को इतने अंधेरे में डर लग रहा था तो वो इसीलिए अभी जाकर इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक नहीं करना चाहती थी। कियारा एली को डर हटाने के लिए उसे कहती है कि वह नीचे जाते समय अपने हर फुट स्टेप को काउंट करें। एली भी आंखें बंद करके आगे बढ़ती है और तभी एली कहीं पर गिर जाती है। कियारा एली को आवाज देती है पर एली से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर कियारा और ब्रायन तुरंत घर आ गए थे। वे घर आकर पूरे घर में एली को ढूंढते हैं लेकिन एली उन्हें कहीं नहीं मिलती है। वे दोनों पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहां पर आने के बाद में आसपास के जंगलों की तरफ एली को ढूंढती है, पर एली का कोई भी अता पता नहीं था और कुछ क्राइम होने का भी कोई सबूत नहीं मिला था। पुलिस कहती है कि शायद एली खुद से घर छोड़कर चली गई होगी, और पुलिस उन्हें एली का थोड़ा वेट करने को कहती है क्योंकि हो सकता है कि एली शायद अपने दोस्तों के घर गई हो। अगले दिन फिर पूरी फैमिली आसपास के पड़ोसियों को लेकर एली को जंगलों में ढूंढती है, पर एली नहीं मिलती है। अब फिर ब्रायन को भी लगता है कि एली घर से भाग गई होगी क्योंकि वैसे भी वो उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, पर कियारा को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि उसने लास्ट टाइम एली से फ़ोन पर बात की थी और उसे पता है कि एली के साथ में कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ होगा। अगले दिन कियारा आसपास के हर जगह पर मिसिंग पोस्टर लगा देती है। एली के ये सब करने की वजह से वो अपने बेटे स्टीवन को स्कूल से पिकअप करना भूल गई थी, तो स्टीवन के स्कूल टीचर उसे कॉल करके बताती है। कियारा तुरंत स्टीवन को लेने के लिए निकल जाती है और स्टीवन को पिक करके वो पुलिस स्टेशन जाती है। वो वहाँ पर एली के बारे में पता करने के लिए पुलिस के पास आई हुई थी लेकिन पुलिस के पास में उन्हें बताने के लिए कुछ खास नहीं था। पुलिस ने ट्रेन और बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरा चेक किए थे। उन्होंने एली के फ्रेंड्स को भी कॉल किया था पर उन्हें कुछ पता नहीं लगता है, और अब तक एली का फोन भी नहीं मिल रहा था। कुछ समय से एली सोशल मीडिया पे हैरेस्ट और बुली भी हो रही थी, और यह सुनकर कियारा को बहुत बुरा लगता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। एली ने छुपकर अपनी बॉडी पे एक टैटू भी बनवाया था जो कि उसने अपनी फैमिली से छुपा कर रखा हुआ था। कियारा पुलिस को बार बार बेसमेंट चेक करने को कहती है क्योंकि उसके मुताबिक एली भागी नहीं है, पर यह कोई क्रिमिनल केस नहीं था तो वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। कियारा जब अपने घर पर जाती है तो उसे घर के फ्रंट डोर पर कुछ अजीब लिखे हुए वर्ड्स दिखाई देते हैं और वो उन्हीं वर्ड्स को इंटरनेट पर ढूंढने लगती है। इधर स्टीवन भी खेल रहा होता है और उसकी बॉल बेसमेंट के डोर के पास जाती है। कियारा को वो नाम सर्च करने पर वही सिंबल्स नजर आते हैं जो कि उस घर पर बने हुए थे, और वो स्टीव से भी उस रात के बारे में पूछती है लेकिन स्टीवन को उस रात कुछ अजीब नजर नहीं आया था, उन्होंने सिर्फ उस रिकॉर्ड प्लेयर को चलाया था। कियारा फिर से लैपटॉप पर अपनी बेटी के सोशल अकाउंट देखती है और वहाँ पर उसे अपनी बेटी का टैटू भी नजर आता है।
फिर वो उस बेसमेंट को चेक करने जाती है। उस बेसमेंट की सीढ़ियों पर रोमन नंबर्स भी दिखाई देते हैं। वो लास्ट सीढ़ी पर एक इक्वेशन लिखा हुआ था, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि अल्ट्रावायलेट लाइट्स देखने पर दीवार पर बहुत सारे डिस्टर्बिंग फेसेस नजर आते थे। कीरा फिर पुलिस वालों को बुलाती है। वो पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ में आई थी। एक फोरेंसिक ऑफिसर से स्टीवन की बॉल बेसमेंट के अंदर गिर जाती है, लेकिन उन्हें सब जगह देखने के बाद में भी कुछ अजीब दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पर सिर्फ उसी आदमी की पेंटिंग सी थी जो कि 50s के समय से वहाँ पर थी। पुलिस उनसे उस घर की हिस्ट्री के बारे में पूछती है, पर ब्रायन और कीरा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उनको यह घर बहुत कम दाम में मिल गया था और उन्होंने उसे खरीद लिया था। अब फिर रात को सभी सो रहे थे और तभी स्टीवन आकर कीरा को जगा देता है क्योंकि उसने अपना बेड गीला कर दिया था। कीरा जाकर स्टीवन की बेडशीट बदलती है और फिर वो बाथरूम में जाती है और वो अपनी बेटी की लास्ट कॉल की रिकॉर्डिंग सुनती है ताकि उसे अपनी बेटी की आवाज सुनकर अच्छा लगे। फिर अचानक से उसे एली की आवाज बाथरूम के नल से आ रही थी और जब वो बाथरूम छोड़ती है तब भी उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी और उसे महसूस होता है कि एली की आवाज बेसमेंट से आ रही है। वो जब स्टीवन की एक बॉल को बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे फेंकती है तो उसे सुनाई देता है कि 10 सीढ़ियों से ज्यादा ही बॉल नीचे जा रही है और वो लाइट ऑन करके खुद अंदर जाती है, लेकिन उसे वो बॉल कहीं नजर नहीं आती है। अब सुबह जब ब्रायन उठकर देखता है तो कीरा उसके पास में नहीं थी। वो उठकर देखने जाता है तो कीरा डोर के ऊपर लिखे हुए सिंबल को देख रही थी। जो इक्वेशन उसे बेसमेंट की लास्ट सीढ़ी पर मिली थी वो उसने एक पेपर पर लिख लिया था, पर ब्रायन इन सिंबल पर जरा भी यकीन नहीं करता था। उसे ऐसा नहीं लगता था कि इन सब चीजों से उनकी बेटी एली वापस आ जाएगी। कीरा फिर घर के ब्रोकर से बात करके घर के बारे में पूछती है, पर उसे कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ इतना जानता था कि वो घर बहुत ही ज्यादा फेमस आदमी का था और वो ये भी कहता है कि वो पहले की बाकी बातें पता लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन कीरा ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी और वो डोर पर लिखे हुए सभी सिंपल की फोटो लेकर ऑफिस जाती है। वो पिक्चर्स अपनी सेक्रेटरी को देती है और उसे इस बारे में पता लगाने को कहती है। जब वो ऑफिस से अपने घर पर जा रही थी तो उसकी सेक्रेटरी आकर उसे कहती है कि ये वर्ड्स हिब्रू लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और उसे उन सिंबल्स को मिलाकर लिब्रिथ का पता लगा जो कि एक ग्रीक माइथोलॉजी का एक क्रिएचर है। फिर कीरा स्टीवन को स्कूल से पिकअप करने जाती है। कीरा देखती है कि स्टीवन की आंखें सूजी हुई है और स्कूल में उसका किसी से झगड़ा हुआ था। अब घर पहुंचकर कीरा इंटरनेट पर उसी क्रिएचर लिप्टिस के बारे में सर्च करती है। वो उसे समझने की कोशिश भी करती है। वो फिर उस रिकॉर्ड प्लेयर को चलाती है। वो फिर से उसी आवाज की गिनती कर रही थी और रूम की कुछ चीजें अपने आप हिल रही थी। उस आवाज को सुनने के बाद में स्टीवन पजल्ड हो गया था और वो भी काउंट करता हुआ उस सीक्रेट रूम की तरफ आगे बढ़ने लगा था। उस रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया था। कीरा को अपने बेटे स्टीवन की आवाज आती है और रिकॉर्ड प्लेयर को बंद करके वो अपने बेटे को रोकती है और तभी स्टीवन पोजीशन से बाहर आता है और उसे कुछ भी याद ही नहीं था कि उसने क्या क्या किया है। कीरा घर पर लगी उसी आदमी की फोटो को देखती है जो कि उनके घर पर लगी थी और फोटो के नीचे कीरा को उस आदमी का नाम लिखा हुआ मिलता है जिसका नाम जॉन फादरसन था और उस नाम के नीचे वही सिंबल बने हुए थे। कीरा उसी आदमी के नाम को इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे ये पता लगता है कि उस आदमी की बेटी के अलावा उसका पूरा परिवार गायब हो गया था। और तभी कीरा को बेसमेंट से किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें सुनाई देती है और अचानक से उसी समय पूरे घर की लाइट भी चली जाती है। फिर अब स्टीवन की भी रोने की आवाज बेसमेंट से आ रही थी और कीरा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस दरवाजे का लॉक अटक गया था। जब वो लॉक होल से बेसमेंट के अंदर देखती है तो उसे किसी जानवर की आंखें नजर आती है और वो डर जाती है। तभी वो देखती है कि स्टीवन तो उसके पीछे खड़ा हुआ है और वो बेसमेंट पर नहीं है। फिर अचानक से लाइट भी वापस आ जाती है और उसे दिखता है कि बेसमेंट के दरवाजे की चाबी डोर के पास ही पड़ी हुई है। वो दरवाजा खोलकर बेसमेंट के अंदर जाती है तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अब वो स्टीवन को दरवाजा खोलने को कहती है, पर स्टीवन का हाथ लॉक तक नहीं पहुंचता है, जिसके बाद में स्टीवन एक चेयर लाता है लॉक को खोलने के लिए और अंदर कीरा का फोन गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। वो फोन को उठाने लगती है तो उसे किसी के तेज तेज सांसें लेने की आवाजें सुनाई दे रही थी जो कि धीरे धीरे उसी के पास में आ रही थी और डर के मार कीरा स्टीवन से उस दरवाजे को जल्दी से खोल देने को कहती है। तभी ब्रायन भी ठीक समय पर आके कीरा को उस बेसमेंट से बाहर निकालता है। कुछ देर के बाद में कीरा ने बेसमेंट में जो कुछ महसूस किया था वो सब कुछ ब्रायन को बताती है। वो उसे ये भी बताती है कि उसका फोन बेसमेंट में गिर गया था, लेकिन वो उसे वहां पर मिला ही नहीं। कीरा ब्रायन को जॉन फादरसन के बारे में भी बताती है जिसकी पूरी फैमिली एली की ही तरह गायब हो गई थी और कीरा के मुताबिक वहां पर कुछ तो अजीब जरूर है।
ब्रायन कीरा को शांत करने के लिए बेसमेंट में कीरा का फोन ढूंढने जाता है और फोन तो उसे नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर ब्रायन को किसी के बाल जरूर मिलते हैं। अब अगले दिन कीरा नेशनल कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स में जाती है। वो वहां पर एक प्रोफेसर से मिलके उन्हें वो सिंबल्स और इक्वेशंस दिखाती है, और जब वो प्रोफेसर उन इक्वेशंस को देखकर पढ़ता है तो अचानक से उस रूम की लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी। वो इक्वेशन को सॉल्व करने लगता है और वो कीरा को जॉन फादरसन के बारे में भी बताता है, जो कि उसी कॉलेज में फेमस साइंटिस्ट था, पर उसका बेटा जब बीमार पड़ गया तो उसने साइंस छोड़ दी थी। और एक दिन अचानक वो सब गायब हो गए और किसी को पता नहीं था कि वे सभी लोग कहाँ पर गए हैं। और शायद उसकी बेटी को पता हो कि जॉन के साथ में क्या हुआ है, लेकिन उसकी बेटी ने कभी भी किसी से बातें नहीं की। उसकी बेटी उस सदमे से बाहर निकल ही नहीं पाई। फिर वो उस इक्वेशन को सॉल्व करके बताता है कि वो किसी अलग डायमेंशन में जाने की बातें कर रहा है, और ऐसी इक्वेशन उसने कभी भी नहीं देखी थी। प्रोफेसर उस इक्वेशन पे और आगे काम करना चाहता था, और वो कीरा को घर जाने का बोलता है और कहता है कि वो उसे बाद में कॉल करेगा। कुछ देर के बाद में कीरा अपना नया फोन लेकर घर आती है, और तभी प्रोफेसर का कॉल उसे आता है, जो कि उसे बताता है कि इक्वेशन आधी अधूरी है और उस इक्वेशन से एक अलग डायमेंशन में जाने का रास्ता खुल जाता है। यूरोप के एक शहर बुल्गारिया में भी ऐसी एक फैमिली रातों रात गायब हो गई थी। कीरा फिर ये सभी बातें ब्रायन को बताती है, लेकिन ब्रायन इस पर बिलीव नहीं करता है, और कीरा इन सब चीज़ों में लगी हुई थी तो वो गुस्से से बेसमेंट की सीढ़ियों में लगी हुई इक्वेशन को तोड़ने लगता है। तभी वही रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप चलने लग जाता है और स्टीवन पजेस्ड होकर अपने आप चलने लगता है। पजेशन की हालत में स्टीवन उस सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगता है, और स्टीवन वहां पर अपनी बहन को देखता है जिसके फेस पर भयानक भयानक निशान बने हुए थे। स्टीवन डर के चिल्लाता है और कीरा और ब्रायन वहां पर आकर उसे संभालते हैं। फिर रिकॉर्ड प्लेयर जैसे ही बंद होता है तो एली भी गायब हो गई थी, लेकिन उसका फोन वहीं पर रह गया था। अब अगले दिन कीरा को घर के ब्रोकर से जॉन की बेटी का पता मिलता है, और वो उसी एड्रेस पर उसे मिलने के लिए जाती है। जॉन की बेटी का नाम रोज था, और बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, और वो एक नर्सिंग होम में रहती थी। वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करती थी, और कीरा उसे अपनी बेटी के बारे में और उस घर के बारे में बताती है। अब रोज भी लेबिथिन के बारे में बताने लगती है, जो कि नरक के दरवाजे का ख्याल रखता है। उसके फादर ने ही उसे बुलाया था ताकि वो अपने बेटे की बीमारी ठीक कर पाए, लेकिन सिर्फ वो बेसमेंट ही नहीं, उनका पूरा घर नरक के दरवाजे से जुड़ा हुआ है। अब घर जाते समय वो उसी प्रोफेसर को कॉल करती है, लेकिन कॉल में भी उसे वही नंबर्स की काउंटिंग चल रही थी। घर पर ब्रायन भी उन सिंबल्स पर रिसर्च करने लग गया था, और उसे इंटरनेट पर डीमन बेफामेट के बारे में पता लगता है, जो कि उन्हीं सिंबल्स को जोड़ने से बेफामेट का साइन बनता है, और वो भी नरक के दरवाजे का रखवाला था। कीरा वापस आकर ये सब देखती है तो उसे पता लगता है कि रोज सही कह रही थी, और कीरा खुद उस रिकॉर्ड प्लेयर को चलाती है। फिर से वही काउंटिंग स्टार्ट होती है, जिसे सुनकर स्टीवन पजेस्ड होकर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, जहां पर बेफामेट उसे नरक में ले जाने के लिए रुका हुआ था। स्टीवन चिल्लाता है, और तभी घर की लाइट्स भी चली जाती है। कीरा बेसमेंट में जाती है, पर वहां पर उसे स्टीवन का डॉन टूटा हुआ मिलता है। वो स्टीवन को ढूंढने लगती है, और तभी उसे स्टीवन का बॉल सीढ़ियों के नीचे आता हुआ दिखाई देता है, जो कि गायब हो गया था। स्टीवन पजेस्ड होकर सीक्रेट रूम की तरफ जा रहा था, और वो स्टीवन को होश में लाती है। स्टीवन को अब बहुत तेज बुखार आ गया था, और वो स्टीवन का शर्ट खोलती है तो उसके सीने पर एक निशान दिखाई देता है। स्टीवन बताता है कि उसने एक मॉन्स्टर को देखा है, जिसके बाद में कीरा ब्रायन को देखने जाती है, जो कि पजेस्ड होकर दरवाजे पर खड़ा हुआ था, और वो भी काउंटिंग कर रहा था। फिर सीक्रेट रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है, और जैसे ही हवा चलती है तो बेफामेट की भी आवाज आने लगी थी। कीरा एक रूम में छुप जाती है, पर शैतान उसे वहां पर ढूंढ लेता है, और कीरा बेसमेंट की तरफ भागती है, और नरक का दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद में सीढ़ियां बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। कीरा छुप जाती है, और वो बेफामेट के नरक में जाने का वेट करती है, लेकिन वो खुद ही नरक में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो सारे लोग काउंटिंग करके अपनी नरक की सजा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कीरा उन लोगों के बीच में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, और बहुत देर ढूंढने के बाद में उसे एली मिल गई थी। वो एली को लेकर उस बेफामेट के आने से पहले ही सीढ़ियों से बेसमेंट के ऊपर आ जाती है, और अब तक घर में लाइट भी वापस आ गई थी, और तभी वो उस बेसमेंट का डोर भी बंद कर देती है, जिसके बाद में सभी तुरंत घर को छोड़कर जाने का सोचते हैं। लेकिन जब एली घर का दरवाजा खोलती है तो उनका घर असली दुनिया में था ही नहीं, क्योंकि उनका घर नरक की दुनिया में आ गया था, और वे अब सभी नरक की दुनिया में फंस चुके थे। और सभी एक साथ में उन नंबर्स को काउंट करते हैं और बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
मतलब कि कीरा का परिवार जॉन के परिवार की ही तरह असल दुनिया से गायब हो चुका था और वो अब नरक में पहुंच गए थे और वो पूरी दुनिया के लिए जॉन की ही तरह गायब हो गए थे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का नाम है सेलर, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।